शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान में बेशरम रंग गाने में केसरिया रंग के कपड़ों के इस्तेमाल पर छिड़े विवाद के बाद अब यूपी के संतों ने धर्म सेंसर बोर्ड का गठन कर लिया है। फिल्मों में धार्मिक किरदारों से खिलवाड़ का आरोप लगाते हुए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गुरुवार को धर्म सेंसर बोर्ड की गाइडलाइन जारी की। शंकराचार्य ने माघ मेला शिविर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि ये बोर्ड सेंसर बोर्ड का विरोधी नहीं बल्कि उसका पूरक होगा। जैसा छलनी से कुछ छानने के बाद और पतली छलनी से दूसरी बार छाना जाता है, उसी प्रकार नया बोर्ड भी काम करेगा जिससे अश्लीलता पूरी तरह से बंद हो। शंकराचार्य ने बताया कि इस बोर्ड के सदस्य ऐसे दृश्यों के बारे में निर्माताओं को टोकेंगे, फिर विरोध करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो फिर कोर्ट में जाएंगे, लेकिन ऐसे दृश्यों का प्रसारण अब नहीं होने दिया जाएगा। शंकराचार्य ने आगे बताया कि इस सेंसर को गठित करने का उद्देश्य है कि किसी भी फिल्म या चलचित्र में ऐसे दृश्य नहीं होने दिए जाएंगे जो सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति पर संदेह या अनादर करते हों।